हम लोग साधु संत जो भी बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड और विधि विभाग का जो भी फैसला आया है, साधु संतों के कल्याण के लिए, कोई भी मठ मंदिर को बचाने के लिए, उसकी संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए कोई कानून ला रहे हो तो इसमें साधु संतों का भी ख्याल रखना चाहिए। मठोर मंदिर बचाओ अभियान समिति की ओर से राज्य सरकार के विधि विभाग और धार्मिक न्यास परिषद के फैसले के विरोध में बैठक की गई। इस बैठक में महंतों ने मठ मंदिर की संपत्ति पर सरकार के हक रखने के फैसले का विरोध किया। इस अवसर पर महावीर मठ शेखपुरा के महंत महेंद्र दास ने कहा कि सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है और इतने सालों में जो महंतों ने मठों और मंदिरों की देखभाल कर रहे हैं, ऐसे में महंतों को मठों और मंदिरों के स्वामित्व से वंचित नहीं किया जाए। सरकार जो वैध रूप से मठों पर कब्जा कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करे। हम लोग साधु संत जो भी बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड और विधि विभाग का जो भी फैसला आया है, उसकी एक समीक्षा की जाए। आप साधु संतों के कल्याण के लिए, कोई भी मठ मंदिर को बचाने के लिए, उसकी संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए कोई कानून ला रहे हो तो इसमें साधु संतों का भी ख्याल रखना चाहिए। उनके भी कुछ मांग है जो ध्यान देने की बातें, जैसे एक दो बात आपके समक्ष में ध्यान आपके माध्यम से मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ सरकार को। इन्होंने जो नियम बनाए हैं कि लोक संपत्ति घोषित की जाएगी, जो भी 29,000 एकड़ भूमि हिंदू राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की जो संपत्ति है, तो आखिर ऐसा हिंदू धर्म के साथ हिंदू मठ मंदिरों को क्यों लोक संपत्ति घोषित कर रही है? ईसाई है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, उनके भी संपत्ति को सरकार लोक संपत्ति घोषित करे। केवल हिंदू धर्म को टारगेट करके, हिंदू धर्म के जो भी पौराणिक पारंपरिक धार्मिक संस्थान है, उनकी परंपराओं को नष्ट करने का कार्य धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा किया जा रहा है। अब मैं एक धारा 32 के तरफ ध्यान आपको आकर्षित करा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो परंपरा का महंत है, उसी परंपरा के साधु संतों को ही वहाँ के परंपरा के अनुसार महंत बनना चाहिए, और जो डेटी की संपत्ति तो डेटी की संपत्ति है। बहुत सारे ऐसे महंत हैं जो बेच रहे हैं, बेच दिए हैं, उन पर कार्रवाई करे सरकार, लेकिन जो पारंपरिक साधु संत हैं उनके लिए सरकार सोचे। आप बताओ ना, साधु संतों जो 83 साल से बाल ब्रह्मचारी विरक्त साधु संत मठ मंदिरों की सेवा कर रहे हैं, एक लेटर से आप उनको हटा दे रहे हैं, आपको बुढ़ापे में वो साधु संत कहाँ जाएंगे? आप टैक्स ले रहे हो लेकिन साधु संतों के लिए ट्रस्ट बोर्ड में बैठने की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे आप साधु संतों की रुकने की व्यवस्था हो, उनके भोजन पानी की व्यवस्था हो। साधु संत बिहार के कई प्रांत जिलों से यहाँ धार्मिक न्यास बोर्ड में आते हैं, लेकिन उनकी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आपके माध्यम से सरकार को मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ, हम लोग आज यहाँ इसलिए जुटे हैं कि उसकी एक समीक्षा की जाए। 1950 से लेकर के 2021 तक के बिहार धार्मिक न्यास परिषद और विधि विभाग के द्वारा जो भी कानून मठ मंदिर के संबंधित लाए गए हैं, उसकी एक समीक्षा हो जाए।